हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संवेगात्मक विकास से जुड़े कुछ संबंध इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे इमोशनल डोमिनेंस और इमोशनल बैलेंस। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ संवेगात्मक विकास से संबंधित। इसमें अगला है संवेगात्मक नियंत्रण, जिसको कहते हैं ना इमोशनल कंट्रोल। कंट्रोल शब्द से जो हमारे मन में एक धारणा आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को दबाना, पूरा काबू में कर लेना, वही कंट्रोल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जो हमारे बालकों में संवेग उत्पन्न करते हैं कारक, हम उनको तो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं आरंभिक अवस्था के अलावा। तो किस चीज़ को नियंत्रण करेंगे हम लोग? संवेगात्मक अनुक्रिया प्रतिक्रिया को, मतलब हम लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं या रिस्पॉन्स देने का जो तरीका है, हम उसको दबा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंट्रोल का मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल का अर्थ है कि संवेगों से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करना। और नियंत्रित करने से मतलब यह है कि उस ऊर्जा को समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से व्यय करना, या कुछ ऐसे माध्यम से उसे बाहर निकालना कि स्वयं बालक को भी उससे नुकसान ना हो और उसके आसपास में जो समाज है वो भी उसे स्वीकार कर ले। तो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, संवेग हमारे को उद्दीप्त कर देते हैं, हमें स्टिर कर देते हैं, हमें हिला देते हैं, उद्दीप्त कर देते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे अंदर उन संवेगों से संबंधित कुछ विशेष हार्मोन स्रावित होने की वजह से हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, उसको किसी ना किसी तरह से आपको चैनलाइज करना होगा। अब सामान्य से हमारे मन में आता है कि इसको हम कैसे करेंगे। इसका तरीका ये है बच्चों कि जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे एकदम से जैसे एक्सप्रेस करना चाह रहा है, जैसे तो ना अनकंट्रोल्ड वे में एक्सप्रेस करने की जगह उसे नियंत्रित करके किसी और माध्यम से प्रयोग कर लेना। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमें केवल, जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ आपको कि गुस्से से उत्पन्न ऊर्जा का, जैसे मैं उस दिन कह रही थी, सामान्य क्या करती हैं महिलाएँ वगैरह जो होती हैं, खूब सारा काम करने लग जाती हैं। लड़के जो होते हैं वो जाकर बॉल से लगातार, और कोई नहीं मिल रहा खेलने के लिए तो बॉल को लगातार हिट करते रहेंगे, इस तरह से अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिफिक तरीका है बेटा, जो उचित तरीका है, उपयुक्त तरीका है, उसका यह है कि केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, उसका मानसिक स्तर पर भी हमें उसे कंट्रोल करना होता है। उसे कंट्रोल करने से मतलब है उसको गाइड करना होता है। इसलिए उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। उद्दीपक पर तो यह कि जैसे बालकों के, उसके ऊपर आप ऐसे काम मत करिए जिससे बच्चे को नकारात्मक संवेग कोई भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो, बार बार उसको दुखी ना होना पड़े, बार बार वो असफल ना हो, बार बार ऐसे कार्य अपनी तरफ से ना करें। और अनुक्रिया पर यह है कि बालकों को समझाना पड़ता है कि ये गलत तरीका है तुम्हारा गुस्से को एक्सप्रेस करने का, है ना। तो उसकी जगह पे उनको समझाना पड़ता है, और समझाने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगी आगे, अगले कॉन्सेप्ट में, कैथार्सिस में कैसे होता है। और इसमें क्यों, इसको संवेगों को नियंत्रित करना आवश्यक है,
क्योंकि समाज में स्वीकृति के लिए एक तो अच्छा व्यवहार होना आवश्यक है, पहली बात तो ये। अगर गलत व्यवहार होगा, समाज के मानकों के अनुसार नहीं है, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो सोसाइटी बालक को रिजेक्ट करेगी। तो रिजेक्शन से उसके अंदर और नकारात्मक संवेग होंगे और उसके अंदर नकारात्मक संवेगों की संप्रभुता हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमको बालक को सिखाना होगा कि समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से ही अपने संवेगों का अभिव्यक्त करें। दूसरी बात यह है कि अगर बार बार उसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो वो बालक के स्वभाव में सेट हो जाएगा। बच्चे अक्सर कैसे करते हैं, अपने जो भी उनके अंदर संवेगात्मक ऊर्जा हो जाती है उसका किस तरह से उसका प्रयोग एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं, अक्सर वो होता है मूडीनेस। मूडी दिखाई देंगे, बिल्कुल बैठे हुए हैं चुपचाप, कुछ कर नहीं रहे हैं। माँ पूछेगी क्यों, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझसे बात मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये मूडीनेस जो होती है ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो प्रतिक्रिया देते हैं उसके तरीके को वो परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बच्चे को गुस्सा आ रहा है, इतनी तेज आ रहा है, तो जैसे भाई बहनों के ऊपर, भाई बहनों में अक्सर होता है गुस्सा आता है तो एक दूसरे को मारते हैं, तो माँ घर में समझाती है पिता कि आपको उसको नहीं मारना है। तो उसने कुछ गलत काम किया, मैं क्या करूँ, तो माँ कहेगी आप मुँह से डांट कर भी उसको समझा सकते हो, आप उसको चिढ़ा सकते हो, लेकिन मारना नहीं है। तो मतलब मारने की जगह चिढ़ाना या मुंह से बोलना कुछ वो ज़्यादा स्वीकृत तरीका है। तो एक प्रतिक्रिया की जगह दूसरी प्रतिक्रिया, मतलब मारने की जगह डांटना या कुछ बोल देना, चिढ़ा देना, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। अगला तरीका है डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो प्रतिक्रिया होती है ये जिस व्यक्ति के प्रति करनी होती है, उस व्यक्ति की तो प्रति करते नहीं है, दूसरे व्यक्ति के प्रति कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर में पापा ने आपको डांट दिया, ठीक है, आप पापा को तो जवाब दे नहीं सकते हैं, तो पापा की जगह किसको जवाब दे देंगे, आपने पता चला अपने छोटे भाई बहनों को डांट दिया। या कॉलेज के लिए निकले, रास्ते में फ्रेंड ने कुछ कहा तो फ्रेंड के ऊपर बरस पड़े, जबकि आपके अंदर वो एनर्जी गुस्सा कहाँ से आ रहा था, आपके पिता ने आपको डांटा, तो आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। जिसके प्रति प्रतिक्रिया देनी थी उसकी जगह किसी दूसरे के प्रति आप प्रतिक्रिया देकर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। एक और तरीका जो बच्चे यूज़ करते हैं वो है रिग्रेशन का। रिग्रेशन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोग्रेस का मतलब आगे जाना, रिग्रेस का मतलब पीछे जाना। तो रिग्रेशन में बच्चे क्या करते हैं, वापस बालकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। बड़े हो गए हैं लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था उसको अपने छोटे भाई बहन से ईर्ष्या हो रही है, तो पता चलता है वो बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं जिससे माँ उसकी तरफ भी उतना ही ध्यान दे, या बिल्कुल ऐसी डिमांड करने लगेंगे, तो बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं इस तरह की के बालक। और आखिरी जो तरीका जो होता है इनका अपनी एनर्जी को निकालने का, वो है टेम्पर टेंट्रम्स, जिसको हम कहते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट, इमोशनल विस्फोट, संवेगात्मक विस्फोट। संवेगात्मक विस्फोट में बालक जो होते हैं किसी भी एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी भयानक रूप से अपना संवेग व्यक्त कर देते हैं, है ना। टेंट्रम्स जो आपने मैंने आपको बताए थे, ज़मीन पे लेटना, हाथ पैर पटकना, जोर जोर से रोना, चिल्लाना, चीखना, किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, इस तरह से ये कुछ तरीके हैं जो बच्चे सामान्य रूप से प्रयोग करता है। लेकिन इनमें से कोई भी एक तरीका बहुत अच्छा नहीं होता है, तो समय समय पर बच्चे कभी कोई तरीका यूज़ करते हैं, कभी कोई तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्वयं भी कोशिश करते हैं कि समाज उनको स्वीकार करे और स्वीकार भी करे, और वो अपनी उस बेचैनी से, उस ऊर्जा से मुक्ति भी चाहते हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा तरीका है। तो इसके लिए है बेटा इमोशनल कैथारसिस। कैथारसिस शब्द आपके लिए नया है। कैथारसिस शब्द जो है
उसका अर्थ होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, सुरक्षित तरीके से किसी चीज़ को बाहर निकालना। अब आप सोचिए कि अगर कुकर के अंदर भाप बनती जाएगी और उसका जो सीटी बजने का मार्ग है वो किसी कारण से अगर अवरुद्ध हो रहा है तो क्या होगा। इसीलिए कुकर के अंदर बनाया जाता है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, जब होता है तो कुकर फटने की जगह वो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाता है और उसमें से जो इतनी सारी गैस इकट्ठी हुई थी वो बाहर निकल जाती है। तो कैथारसिस में भी ऐसा ही होता है बच्चों, जो अंदर एक संवेगात्मक विस्फोट वाली स्थिति हो रही होती है उसको निकालने का तरीका है, मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको उचित तरीके से धीरे धीरे निकालते जाएं जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो संवेग से उत्पन्न ऊर्जा को व्यय करना ही कैथारसिस कहलाता है। और यहाँ पे कैथारसिस शब्द जो है इसमें केवल शारीरिक ऊर्जा का व्यय पर्याप्त नहीं है, मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। ये मनोचिकित्सा का भी एक बहुत बेसिक सिद्धांत है। मनोचिकित्सा मतलब जिसको कहते हैं हम साइकोथेरेपी, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषण भी कहते हैं इसको बेटा। इसके अंदर ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई मनोविकार हो जाता है और वो मनोवैज्ञानिक के पास जाता है तो मनोवैज्ञानिक तरीके ढूंढता है जिससे उसका कैथारसिस हो सके, उसकी टेंशंस, उसके तनाव, उसके डिस्ट्रेस का किसी तरह से तनाव रिलीज हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसको दबा रहे हैं, उसको नियंत्रित कर रहे हैं। दबाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप दबाए जाओगे, बॉटल को बंद कर दोगे तो एक दिन विस्फोट से फूट जाएगी, इसलिए वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले संवेगात्मक तनाव के कारण को सतह पर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मुझे नींद नहीं आती, मुझे लगातार नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, तो मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते रहते हैं, अच्छा आजकल आप क्या कर रहे हैं। वो इधर उधर की बातें पूछेंगे आपसे और इधर मतलब आपको लगेगा वो इधर उधर की बातें पूछ रहे हैं पर वो खोज रहे होते हैं कारण। और बात करते करते ही अपनी उसके साथ पहले अपना एक संबंध स्थापित करते हैं, एक रैपो बिल्ड करते हैं, फिर वो व्यक्ति बोलता जाता है और उसके उस व्यवहार से ही, उसकी बातों से, उसके व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज से मनोवैज्ञानिक ये पकड़ लेते हैं कि इस व्यक्ति की समस्या अनिद्रा का मूल कारण क्या है। तो सबसे पहले तो वो मूल कारण को जड़ है उसको सतह पर लाते हैं मतलब उसको रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और उस व्यक्ति से भी पहचान करवाते हैं, उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम्हारी समस्या का मूल ये है। फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि ये क्यों है समस्या, क्या कारण है। अब ज़रूरी नहीं है जिस व्यक्ति को समस्या हो रही है वो उसको सही परिप्रेक्ष्य में बता रहा हो, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने नज़रिए से रंग कर देखते हैं बेटा। जो हम सोचते हैं हम वही सही तरीका मान लेते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति को कुछ समस्या हो, जैसे छोटे बच्चे हैं, घर के अंदर छोटा बालक आया और बड़े बच्चे के अंदर कुछ ऐसा व्यवहार होने लग गया, उसे बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया, नाखून काटने शुरू कर दिए या कुछ और प्रॉब्लम लेके अगर गए मनोवैज्ञानिक के पास तो वो ढूंढ लेगा कारण। फिर वो क्या करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि भाई माँ को छोटे बच्चे को ध्यान तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, ये तो कोई समस्या का समाधान है ही नहीं कि भाई आप उस बच्चे पे ध्यान मत दो। तो फिर समाधान किस तरह से निकलेगा कि छोटे बच्चे को ध्यान दिया जाएगा लेकिन बड़े बालक के ऊपर भी माँ स्पेशली उसको महसूस करवाए कि देखो तुम्हारे लिए मैं ये कार्य करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये करती हूँ, उस टाइम पे मेरा ध्यान तुम पर ही होता है, इसको बोल के नहीं उसको महसूस करवाया जाए। दूसरा, बालक को उसके स्तर पर समझाया जाए कि देखो ये छोटा बच्चा, छोटा भाई बहन है या माँ उसको ये भी कर सकती है कि उसकी कोई भी केयर करनी होती है छोटे बच्चे की तो बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करती है, अरे ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, बेटा आप मेरी हेल्प कर दो, बेटा आप भैया को थोड़ा संभाल लोगे, बेटा आप देख लोगे, या बेटा इसका ये वाला काम कर दो। तो बच्चे को इन्वॉल्व करने में उसको लगता है कि मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो इस तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है और उसको एक्चुअल पोजिशन में देखा जाता है,
उस ढंग से नहीं जिस ढंग से, क्योंकि जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है वो समस्या को बहुत विकराल रूप में देखता है, तो उसको वास्तविकता के धरातल पे पहले देखा जाता है और फिर कोई संतोषजनक समाधान खोजा जाता है। उसमें ये है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, छोटे बालक से अगर सिबलिंग राइवलरी हो रही है तो बड़े बच्चे को इन्वॉल्व करना, दूसरा बड़े बच्चे को कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज कर देना जिससे उसका ध्यान उनमें लगा रहे, वो खुद भी व्यस्त रहेगा तो उसका ध्यान इन बातों पर नहीं जाएगा। तो इमोशनल कैथारसिस बेटा, समझ में आया कि जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, जो हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न हो गई है, उसको निकालने का तरीका खोजना, उसका निकालने का तरीका या निकालना कैथारसिस कहलाता है। और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उसको निकालने का उपयुक्त तरीका खोजना। अब कैथारसिस के तरीके क्या क्या होते हैं? कैथारसिस के तरीके शारीरिक भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्तर पर भी हो सकते हैं। शारीरिक या भौतिक तरीके ये होते हैं कि कोई भी ऐसी क्रिया करना जिससे हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो व्यय हो जाए और हमारे शरीर में वापस शांत अवस्था आ जाए, होम्योस्टेसिस की अवस्था आ जाए। और छोटे बालकों के साथ में जो सबसे कॉमन तरीके यूज़ किए जाते हैं वो है एक्सरसाइज करना, बहुत ऐसी एक्सरसाइज जिसमें वो थक जाते हैं, श्रम साध्य एक्सरसाइज करना, कोई खेलना, मतलब कोई स्पोर्ट्स में जिसमें उनको खूब भाग दौड़ करनी पड़े जिससे उनका। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य अगर कार्य के रूप में करा जाता है तो वो बोझा लगने लगता है। अगर आप बच्चे से ज़बरदस्त एक्सरसाइज करवाओगे तो वो बिल्कुल भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको उसकी ऊर्जा का व्यय करवाना है तो कुछ ऐसा कार्य करवाइए जिसमें वो आनंद ले सके, है ना, आनंद लेने वाली चीज़ होनी चाहिए, काम का वो नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है ठहाके लगा के हंसना, खूब ज़ोर से हंसना। आप लोगों को मुन्ना भाई MBBS पिक्चर याद होगी बहुत अच्छी तरह, उसमें जो फीमेल कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, उसके पिताजी को जब भी गुस्सा आता है वो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा ऐसे तो व्यक्त कर नहीं सकता, तो ही करके वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो वो भी एक कैथारसिस का तरीका होता है। और तीसरा तरीका होता है रोना। इन तीनों ही तरीकों का बच्चे अधिकांश प्रयोग करते हैं। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आनंद लेने वाला कोई भी कार्य करवाना है। दूसरी बात ये कि रोना भी हमारी ऊर्जा को व्यय कर देता है, लेकिन उससे हमारा मूड थोड़ा सा और डूबा डूबा सा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि दूसरे लोगों का सबको मतलब नेगेटिव, बच्चे हो क्या, बच्चों की तरह रो रहे हो, जैसे रोते हैं। और फिर हमारे समाज में तो लड़के और लड़कियों में भेद हो जाता है, लड़का रो रहा है, लड़की हो क्या तुम, लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो हमारे समाज में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है तरीका। और इसी तरह से ठहाके लगा कर हंसना कि बच्चे दूसरों के साथ हंस रहे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन दूसरा कोई डिस्ट्रेस में और तुम ठहाके लगा के हंस रहे हो तो वो चीज़ उपयुक्त नहीं होती। तो बच्चों को यहाँ भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि इस तरह से वे बात पर नहीं हंस सकते। कुछ तरीके जो होते हैं वो मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर पे होते हैं। मानसिक कैथारसिस के लिए ज़रूरी है कि बालक अपना जो भी समस्या है उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करे, अपनी सोच बदले, अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करे। मतलब किस कारण से संवेग उत्पन्न हुआ है, उसके जो कारण हैं उसके बारे में सोचें। और बालक के अंदर थोड़ी सी इमोशनल टॉलरेंस भी होनी चाहिए, संवेगात सहनशीलता होनी चाहिए। और जो भी उनके कारण, जैसे कि नकारात्मक कारण कौन से होते हैं, क्रोध है, दुख है, भय है, ईर्ष्या है, तो पता चल जाए, वो खुद एनालाइज करना सीखना है बच्चे को कि तुमको किस बात पर गुस्सा आ रहा है, किस बात पर, मतलब कारण का हुआ है। और इस कार्य के लिए बालक बहुत अनुभवी नहीं होते हैं, इसलिए उनको बड़े लोगों का मार्गदर्शन चाहिए होता है। मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है,
कि बालक को समझाना है, जब भी कोई समस्या आती है तो उसको दूसरों को कम्युनिकेट करना चाहिए, दूसरे को संप्रेषित करना चाहिए, दूसरे को, अगर आप अपनी समस्या दूसरे को बताएंगे ही नहीं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये बाल्यावस्था में तो नहीं होती इतनी समस्या, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं किशोरावस्था तक आते आते वो अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सोच को जल्दी से दूसरे से शेयर नहीं करते हैं और वो उनकी समस्या का बहुत विकट कारण बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप संवेगात्मक रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी समस्या पे चर्चा करने के लिए तैयार रहिए, है ना। और कौन कौन सी चीज़ें इमोशनल कैथारसिस में मदद करती हैं ये मैं आपको पहले, श्रम साध्य व्यायाम या कोई भी खेल है और ये कैसे हमारे हमको मदद करता है वापस शांत होने में, कैसे हमारी मदद करता है ये सीखना आवश्यक होता है, समझना आवश्यक होता है। क्योंकि आपने तो कह दिया चलो बच्चे अपन खेलते हैं, उसका मूड ख़राब हो रहा है तो उसको खेल के लिए तैयार करना ही मुश्किल होगा, तो चलो हम खेलने चलते हैं, इससे अपना मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अक्सर हम जैसे बड़े लोग कहते हैं, जैसे घर में महिलाएँ हैं, बड़े लोग हैं तो बड़े बच्चे हैं वो नहीं खेलना चाह रहे हैं तो चलो हम थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, है ना, थोड़ा सा प्राकृतिक उसमें चलते हैं, चलो हम कुछ और चीज़ एंजॉय करते हैं। इस तरह से इसके महत्व को समझना चाहिए। फिर मस्खरापन, मस्खरापन होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब व्यक्ति में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हंस सके, आनंद ले सके, अपने ऊपर भी हंस सके, कुछ गड़बड़ हो गए अरे वाह, अरे हाँ भाई, किसी ने कहा तुम बहुत मोटे हो, अरे भाई हम तो खाते पीते खानदान के हैं, मस्त लगते हैं, देखो क्या मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर बल है, मतलब कोई कुछ कहे तो व्यक्ति अगर उसको हंस कर उड़ा देगा तो उसको समस्या नहीं होगा। और ये बात भी समझना कि कभी कभी रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे समाज में लड़कों को, पुरुषों को रोना अलाउड नहीं है, मतलब रोते हैं तो लोग कह देते हैं कि अरे क्या स्त्री, मतलब पुरुष खुद ही सोच लेते हैं कि ये स्त्रीयोचित व्यवहार है। नहीं, कभी कभी रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। और बच्चों को भी है कि कभी कभी आपका रोना, हाँ कहते हैं ना रोने से जी हल्का हो जाएगा, लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकती हैं, और रोने देना चाहिए। और उनको ये समझना चाहिए कि रोना कोई इतना बचपने का निशानी नहीं है। फिर है किसी से आपका अटैचमेंट होना चाहिए। बच्चों के अंदर देखिए कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए अटैचमेंट फिगर का काम करे। जो बच्चे संस्थाओं में पले बड़े होते हैं, जिनके अभिभावक नहीं होते हैं, उनके साथ समस्या होती है कि उनको किसी एक व्यक्ति से लगाव नहीं होता, तो बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स उन बच्चों में देखी जाती है। तो किसी से निकट संबंध होना अति आवश्यक है, कोई ऐसा जिसके साथ हम लगाव महसूस करें, जैसे हम अपनी माँ से अपना लगाव महसूस करते हैं, भाई बहनों से लगाव महसूस करते हैं, किसी मित्र से भी हो सकता है लगाव। तो लगाव होना जीवन में बड़ा आवश्यक है हम लोगों को इमोशनली हेल्दी होने के लिए। इसके अलावा एक मित्र होना चाहिए। मित्र का बेटा जीवन में बड़ा महत्व है। मित्र जो होते हैं, ऐसा मित्र जिसको हम अपना सब कुछ बता सकें, अच्छा बुरा, गोरा काला, दिल का जो भी कुछ हो, वहाँ अपना गुबार निकाल सकें, अपने मन की बात शेयर कर सकें, इसके लिए भी थोड़ा सा कॉन्शियस होना ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना है मित्र को पहचाने, क्योंकि हर मित्र रिलायबल नहीं होता है, विश्वास के योग्य नहीं होता है, और जब उनसे धोखा मिलता है तो वो बहुत तकलीफ़ देता है, स्पेशली बड़ी बच्चों को। लेकिन एक मित्र होना बहुत ज़रूरी है, एक क्लोज फ्रेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि समस्या पे बात करने के लिए बच्चों को ये समझाना चाहिए कि अगर हम समस्या से बात करेंगे तभी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, वो आस पास के जो लोग हैं उनमें बालक की समस्या के प्रति एक हेल्दी वो होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। उनको समस्या, भाई बच्चे को समस्या है तो उसका कोई कारण, बच्चा बहुत भयभीत रहता है, बहुत डरता रहता है, तो ऐसा नहीं कि ये तो फिसड्डी है, डरपोक है, और ये तो मूर्ख है, इस तरह की टिप्पणी करने की जगह ये समझें कि बच्चे के अंदर इतना भय है तो वो क्यों है इतना भय, उसके कारण को देखें, उसका निवारण करने की सोचें,
तो अगर आसपास के लोग उसको मदद करने के लिए तैयार होंगे तो बालक का कैथारसिस में बहुत हेल्प मिलेगी। कैथारसिस बहुत आवश्यक है बेटा। अभी 2 वर्ष पहले एक मेंटल हेल्थ डे होता है जो कि मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। मेंटल हेल्थ डे पर विश्व में कहा गया कि आजकल मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं और मानसिक समस्याओं के निवारण के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या क्या हो रहा है आजकल, डिप्रेशन, आत्महत्या के केसेस, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग खुलकर बोलते नहीं हैं किसी से। तो आप, कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो चुप चुप रहता है तो उसे चुप मत रहने दीजिए। ये उसका थीम था कि द्वार खटखटाइए, लोगों को बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। टॉक आउट, रिलीज इट, बोल बोल कर आप उसको अभिव्यक्त कीजिए, रिलीज कीजिए। ये हमारा कैथारसिस का तरीका है। और अगर हम इमोशनल कैथारसिस के तरीके सीख जाते हैं तो हम हमेशा इमोशनली हेल्थी रहेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर ये समाप्त हो गए हैं। अब अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी संवेगात्मक तनाव या संवेगात्मक विकास में कौन कौन से संकट आ सकते हैं।